अबे छुआ कह रहा है, मैंने आज तक उसको टह नहीं किया, अब ये टह क्या है? अबे टह टह टच टच ओ टच, यही कंफ्यूजन उसके साथ नहीं होता, वो मुझे समझती है। क्या चूतिया? मेरी बातों को समझती है। ही क्या समाज है। तर नमस्कार मित्रांनो, आज कसे आहात तुम्ही? तर आज आपण बीबीक्यू वाईन्सच्या लौका हाहाकार या भुवन बामच्या एका नवीन वाईन्सवर रिएक्ट करणार आहोत। तर रिएक्शनलाच स्टार्ट करूया। 3 2 1। मेरी नींद उड गई है, मेरी नींद उड गई है, मेरा हैंड खो गया है, मुर्गा खो गया बेंच, अबे चैन खो गया, और क्या हो रहा है? दिल गार्डन गार्डन हो गया है, पेट में तितलियां उड़ रही हैं, तितलियां उड़ रही हैं, फूलों की खुशबू आ रही है। एक सेकंड, दिल गार्डन गार्डन हो गया है, पेट में तितलियां उड़ रही हैं, फूलों की खुशबू आ रही है, पेड़ वेड़ का बेंच, ये रहा रफी टांग के झूल जा। रुक यार, तेरी नींद उड़ गई है, तेरा चैन खो गया है, दिल गार्डन गार्डन हो गया है, पेट में तितलियां उड़ रही हैं, फूलों की खुशबू आ रही है, इसका मतलब क्या? तेरा चूतिया कट गया है क्या? प्यार करेंगे? अबे प्यार यार बकवास है बैंच। अबे तुझे नहीं मिलता इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई नहीं हिलता। देख हवस बैंच। पर मेरे हॉरोस्कोप में लिखा है कि मेरी लव लाइफ बदलने वाली है। तेरी कर्क राशि है? ठरक राशि है। अबे कौन सी ठरक, एक बार भी नहीं हुआ, देखा एक बार भी नहीं हुआ, एक ही चीज चल रही दिमाग में, सिर्फ जिस्म की भूखे बैंच। अबे हुआ नहीं हुआ, हुआ हुआ हुआ, अबे छुआ कह रहा है, मैंने आज तक उसको टह नहीं किया, अब ये टह क्या है? अबे टह टह टच टच ओ टच, यही कंफ्यूजन उसके साथ नहीं होता, वो मुझे समझती है। क्या चूतिया? मेरी बातों को समझती है। ही क्या समाज है, प्यार को खेल समझ के रखा है। मेरे को खेलना होगा तो भी ध्यान। अबे तू देश की गरीबी है क्या बैंच? अच्छा चल उसका नाम तो बता। देख कैसे शर्मा है। उसका नाम नहीं ले सकता। क्यों? वोल्डेमॉर्ट है बैंच, बता। नजर लग जाएगी उसको। अबे तेरी नजर पड़ गई है उस पे, और क्या बुरा हुआ उसके साथ? यार तुम लोग समझ नहीं रहे, उसको देखते ही अपने होश खो देता हूँ। क्लोरोफॉर्म थूकती है क्या बैंच? वो मुझे हर जगह दिखती है। उर्फी जावेद का भी ऐसा ही सीन है। अरे रुक ना यार, तू चुप रह। भाई हम लोग इसलिए हैरान है क्योंकि फ्रेंकली हमें तुझसे ये उम्मीद ही नहीं थी। क्यों? मुझे प्यार करने का हक नहीं है? इसके प्यार का मतलब फक नहीं है? मैं इसके राटा मार दूंगा। अच्छा हम नहीं बोलूंगा, प्रॉमिस प्रॉमिस। गलत बात है। He has a soft corner for her and a very hard center man. गतारी करो बे। खत्म। गतारी करो बे तेरी बहन को। ए चुप करो यार। तू नाम बता। फमीर फुद्दी। अबे अपना नहीं, उसका नाम बता। Who? लड़की का नाम। Who? अबे लड़की का नाम, तेरी बंदी। Oh my God, who? The girl you're talking about. What's her name? अंग्रेजी का 14। अबे मदरबोर्ड, उस लड़की का नाम है Who? Oh, चू। ए। Who नहीं, normal Who? 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 हाँ एच यू हु, दो लेटर का नाम एच यू। सच में गाड़ी में रखा कुत्ता बना दिया है, इतनी मुंडी हिलवा रहा है। और निकनेम क्या है? क्या एंच, ब्रश करने से पहले गलती से नाम मत ले लियो उसका। अच्छा वो सब छोड़, करती क्या है? होर है। ओए तमी से बात कर ले, लड़की के बारे में ऐसे बात कर रहा है? अबे मेरे दिल की होर है चोर। वैसे वो पहले ट्रैवल एजेंसी में थी। वो मेरा जापान का वीजा लगा देगी, तूने वो खबर नहीं पढ़ी? कौन सी? जापान में भड़वे अलाउड नहीं है। बता ना कहाँ मिली? मिलना क्या है, ऊपर वाला जोड़ी बनाता है। तूने तो बोला था ऊपर वाले अंकल ब्लाउज बनाते हैं बैंच। अबे बैल बुद्धि, वो दर्जी है, उसकी बात नहीं कर रहा। तू क्यों बीच में घुस रहा है? सबसे ज्यादा केक और चूतिया कटवाने का एक्सपीरियंस मेरा है बैंच, मैं तेरे को बता रहा हूँ। नया नया प्यार है, कुत्ता बीमार है, लड़की को बताने की हिम्मत होनी नहीं इसकी बैंच। रोज रात को मेरे घर पे पड़ा रहता है, कल रात को नींद में गालियां मक रहा था मुझे। तुझे गलत फहमी है। कैसी गलत फहमी? कि मैं नींद में था। मेरे वाईफाई से उससे बतियाता रहता है, हर 10 मिनट में घर पे कुछ ना कुछ मंगवाता रहता है, वो भी कैश ऑन डिलीवरी पे। मेरे पैसे दे बैंच। भाई दोस्ती में पैसे कौन गिनता है यार, उसका घर बस रहा है। तो बसाए ना बैंचो, पर सरिया मेरे बिछवाड़े में से ना निकाले, ला फंड्स दे। उफ़े मिलता जुलता फब्द है, लेगा? साला अपने ही घर में कोहली और गंभीर है। उस दिन मैं एक डेट पे था तो बंदी ने बोला बेबी घर चलो वाइन पीते हैं। मैं समझ गया कि आज थोड़ा चीनी होने वाला है, तो मैंने इसको टेक्स्ट किया कि भाई 10 मिनट में फटाफट मेरे शहजादे के लिए शेरवानी लेके आ जा। तो कह रहा नुन्नू लैमिनेट करवा ले। मैं 10 मिनट में शेरवानी देने आऊं? क्या हूं मैं, ब्लिंकिट? अच्छा यार छोड़ो ना ये सब, तू बता ना लड़की मिली कहां? मार्केट में अंडे दे रही थी।
भोफड़ी वाला दुकानदार को अंडे वापस दे रही थी, उसने गलती पे फाक की जगह 9 अंडे दे दिए थे तो वो लौटा रही थी। छान मुर्गी आ है। पता है उसके घर का नल का खराब हो गया था और कोई प्लम्बर भी नहीं था, उसके बेडरूम का बल्ब फूक गया था और कोई इलेक्ट्रिशियन भी नहीं था, तो मैंने ठीक किया। उसकी डाइनिंग टेबल की लकड़ी खराब हो गई थी और कोई कारपेंटर भी नहीं था, तो तूने ठीक किया। तुझे कैसे पता? चुतिया गया प्यार में। यार ऐसा लगता है ऊपर वाले ने खुद उसको अपने हाथों से बनाया है। हाँ, हमारा तो प्रिंट आउट निकला था बैच में। उसको इम्प्रेस करने के लिए कुछ किया? गाना गाया ना, इट बीन अ लॉन्ग डे विदाउट यू माय हू एंड आई टेल यू ऑल अबाउट इट जब दोबारा मिलू। चार्ली बूट मार ली चूत। मैंने उसके लिए एक फायरी भी लिखी है, सुनाऊं? हाँ, मतलब वो जो सितारे तोड़ने की बातें हैं सब झूठी हैं, कोई वहां तक जा ही नहीं सकता। वो जो सितारे तोड़ने की बातें हैं सब झूठी हैं, कोई वहां तक जा ही नहीं सकता। तू मेरे साथ नॉर्थ कोरिया में रहे, कोई वहां तक आ ही नहीं। तेरे हाथ और तेरे मुंह, बोलो बोलो, तेरे हाथ और तेरे मुंह दोनों में दे दूंगा। तेरे हाथ और तेरे मुंह दोनों में दे दूंगा अपना दिल, क्योंकि तेरे बिना ये जीवन जिया जा ही नहीं सकता। सही है, नहीं क्या कहता है? थोड़ा अलग है, मतलब डिफरेंट है। छोड़, उसने क्या बोला? अभी उसको सुनाया कहां? आज जब होटल जाएंगे तब सुनाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं, होटल? कितना टाइम हो गया? 3:30। अबे तुम दोनों को आपस में कितना टाइम हो गया? ओ 8 दिन। 8 दिन में सीधा होटल? प्यार में अगर हो जाए अति तो फिर क्यों देखें गति। अरे तुम तीनों इधर हो? नहीं अंकल, हम तो नेपाल में हैं, आप कहाँ? मैं दिल्ली में। अरे क्या दिल्ली में, वो भी दिल्ली में, तू क्यों मजे ले रहा है? समीर को वो हो गया है। इस उम्र में? अंकल यही तो उम्र है, मेरे चाचा जी को तो 65 साल में जाके हुआ था। 65? हाँ, डॉक्टर को दिखा दे जल्दी। डॉक्टर? क्यों? अरे बवासीर का इलाज डॉक्टर नहीं करेगा तो कौन करेगा? कारपेंटर। बवासीर? क्या? बुढ़ापे में घुटने और चूतड़ दोनों बोलने लगते हैं बेटा। पापा उसको प्यार हुआ है। हाँ। ओह वाओ, रैली, आई कांट बिलीव। मुबारक हो बेटा, एक आदमी को और क्या चाहिए जिंदगी में? के दिल की बंजर जमीन पर एक फूल खिल जाए, आय हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, और 2 टाइम हिलाने की जगह मिल जाए। पापा आपको कुछ काम था क्या? अरे हाँ, कुछ दिन पहले हमारे पड़ोस में एक आंटी जी रहने आई हैं, बहुत भली है बेचारी, तो उनको इधर की चीजें समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो उनके लिए एक गैस सिलेंडर बुक कर दे फटाफट। समीर बेटा, तू ये आंटी जी को उस दिन मार्केट से घर छोड़ाया था? हाँ अंकल। अंडे रखवा दिए थे फ्रिज में अच्छे से? हाँ जी। वो नल का टेबल और बल्ब ठीक करवा दिया था? हाँ जी। अंकल ये आंटी जी की उम्र क्या होगी? ऐसे औरतों की उम्र नहीं पूछते। खैर मैंने पूछी तो उन्होंने 56 बताई। अभी अभी रिटायर हुई है ट्रैवल एजेंसी से। अब सोच रहा हूँ सारी तत्काल की ट्रेन की टिकटें उन्हीं से करवाऊंगा। उनका नाम क्या है पापा? उनका नाम नाम क्या था? हेलो। हाँ हूँ। हाँ क्या हुआ? पर आज तो हम होटल जाने वाले थे ना तुम्हारे मैनिक्योर के लिए। चीनी वाली मम्मी बैंच। शुगर मम्मी। हाँ बाबा, मैंने वो घुटने का तेल बेड के बगल में रख दिया है। हाँ जी। दांत वो बेसिन के ऊपर देखो। हाँ मैंने साफ करके रख दी ऑलरेडी। ओके। अबे ओ तू पागल है क्या? 56 साल की लड़की भी क्या, आंटी है वो। तू 56 साल की आंटी के साथ प्यार में? तो क्या, 1 वे ट्रैफिक है और तूने गैप देखा है? बोला तो आज होटल में मिल रहे हैं। अबे एज गैप? अबे 30 साल का गैप है वैंचो, ऐसा क्या पसंद आ गया उनमें? उनकी क्या वुल्फे हैं? भाई वो मिल्फे हैं, तू उनके सारे काम कर रहा है इसलिए वो तुझसे प्यार से बात कर रही है। उनको तो पता ही नहीं है कि तेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। अभी उनके घर आटा देने जाना है, तू उनसे आशीर्वाद ले और निकल। आशीर्वाद नहीं, वो दिनेश का आटा खाती है। वैंचो दिनेश कौन है? ए तू गप बस ना यार, तू ये सब रहने दे भाई, अपने उम्र की कोई आंटी लड़की ढूंढ। पर मैं उसका मितवा हूँ। तू उसका बिटवा है। जी जी जी, आप बेफिक्र रहिए। हाँ जी हाँ जी बेटा, ये हु आंटी जी का कॉल है, इनके लिए फटाफट एक रोमांटिक डिनर बुक कर दे, इनके पति आ रहे लंदन से। पति? डन पापा डन 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 डन। साले तेरे को पता नहीं था आंटी मैरिड है? नहीं, वो हमेशा कहती थी कि मर्द झाटू होते हैं। तो इसको लगा आंटी जी सिंगल हैं और अगर मैं दूसरे मर्दों की तरह बिहेव नहीं करूंगा तो आंटी जी सिंगल से मिंगल हो जाएगी। हाँ यही था। हाँ यही था। एक अच्छी भली औरत का संसार उजाड़ने वाला था तू।
अच्छा बेटा, तीन लोग के हिसाब से बुक करियो, इनकी बेटी भी आ रही है। बेटी 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 बेटी, अरे वाह बेटा, चार लोग के हिसाब से बुक करियो, इनकी दोनों बेटी आ रही है। दो बेटी, पूरा फैमिली डिनर बुक कर दे बेटा, दोनों बेटियों के बच्चे भी आ रहे हैं। डन पापा, ऑलरेडी बुक्ड। जिसको समझ रहे थे कोयल वो तोते निकले, ना जाने क्यों दिल लगाया उससे जिसके दो पोते निकले। आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ वरची रिएक्शन आवडले असेल आणि हा व्हिडिओ पण आवडलेला असेल। त्या या व्हिडिओची ओरिजिनल लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देणार आहे, तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि व्हिडिओवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि मित्रांसोबत शेअर करा। तर भेटूया पुढच्या नवीन अशाच एका रिएक्शनसोबत, तोपर्यंत गुड बाय।